चल मैं तुझे ट्यूशन छोड़ दे। तेरे ऊपर सुबह पर तुझे कोई होश नहीं है ट्यूशन जाने की। चल मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं इसको छोड़ने आई हूँ, इसका परसों पेपर है, काफी दिनों से छुट्टी कर रहा था। मैंने कहा आप नाराज ना हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों नाराज होंगी? और तुमने ट्यूशन क्यों नहीं पढ़नी? जी जी आप जाएं, मैं इसको देखती हूँ। अल्लाह हाफिज़, मैं जा रही हूँ। चले ठीक है, आप जाए। आइए आप तशरीफ रखिए अंदर। क्या बोला है तुमने? कुछ ज्यादा ही नहीं जुबान चलने लग गई है तुम्हारी? टीचर अगर मैंने कुछ कहना होता मैं मुंह से ना बोलता। अब ज्यादा बड़बड़ मत करो और चुप करके ना अपना बैग खोलो। टीचर मुझे तो कोई स्कूल से काम ही नहीं मिला। ओह यार याद आया, टीचर कल मेरे साइंस का पेपर है। हैं? क्या कहा तुमने? तुम्हारा कल साइंस का पेपर और मुझे तुम आज बता रहे हो? परसों नहीं बता सकते थे तुम मुझे? टीचर मुझे आज खुद पता चला कल मेरे साइंस का पेपर है। बेटा और कोई बात नहीं, बस तुम्हें ना जूतियों की कमी हो रही है। चलो चुप करके अपना बैग खोल के ना अपनी साइंस की बुक निकालो। अब ज्यादा बड़बड़ मत करो, टाइम आगे ही नहीं है। That you are going, जरा मुझे दिखाना तुम क्या पढ़ रहे हो। A joint is where two or more bones meet, my and my friend are going। यार तुमने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? कल तुम्हारा साइंस का पेपर है। कोई तमाशा नहीं है तुम्हारा? ये जरा दिखा ना, तुम खा क्या रहे हो? जरा लाओ, इधर लाओ, लाना दिखाओ, दिखाओ। ये गुतनिया, गुतनिया दिखाओ। मुझे अब ना तुम खाते पीते नजर ना, और चुप करके ना पढ़ते नजर आते, और ये जो तुम्हारी जबान चलती है ना, मैंने कैंची से काट देनी है। यार वैसे तो भूख मुझे भी लग रही है, थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। बहुत भूख लग रही थी। रियान कितनी तैयारी होगी है तुम्हारी? टीचर सारी तैयारी होगी। बेटा ये जो जैसे तुम कह रहे हो ना, अगर तुम कल फर्स्ट ना आए ना, कि तुम्हारा मुंह है ना काला काला रंग लगा के ना पूरे मोहल्ले में घुमाऊंगी मैं तुम्हें। समझ आ गई है ना? चलो बंद करो बैग, तुम्हारी माँ आती होगी। किधर? मैं टीचर को कुछ आता बात है नहीं, मैं खुद ही पढ़ता हूँ, खुद ही छोटे होके फेल होती होंगी। मैं इतना पढ़ा के बैठा, क्या मतलब पूरा दिन यहीं बैठने का ज्यादा है? 8 बज गए, तुम्हारी माँ आई नहीं है। फोन करती हूँ अपनी सौगात को लेकर जाए उठाकर। पता नहीं खाना भी मुझे खिलाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें खुद ही भेज दूंगी अभी। अस्सलाम वालेकुम, आ गई हूँ मैं रिहान को लेने। रिहान को भेज दे। ओ वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तेरा शुक्र है आ गई है ये। आपको पता है रिहान का कल पेपर है, तो आपने तैयारी करा दी है? जी जी मैंने रिहान को तो तैयारी करवा दी, इंशाल्लाह इसका अच्छा ही पेपर होगा। तो बस आप इसको ले जाएं, अब टाइम हो गया ट्यूशन का, आज आप बहुत ज़्यादा लेट आई हैं, मेरे मेहमानों ने भी आना है अभी। चलो चलें ठीक है, मैं इसको ले जाती हूँ। चलो जाओ यार, आपकी मम्मा आ गई है लेने। और अगर कल आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो यहाँ आने की ना आपको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज। हाँ ना, तो फिर हो गया, मुझे आकर टीचर पर नाम लगा दूँगा। टीचर ने कुछ करवाया वाया नहीं है, एक किधर से आ जाती है। हो गया मेरा बेटा फेल, अब आपको सुकून मिल गया, अब दिल को ठंडक पड़ गई होगी अब आपके। अब मैं अपने बेटे को खुद पढ़ाऊंगी। नहीं बाजी, कहते कि ये झूठ है, मैंने तो इसको बहुत ज्यादा तैयारी करवाई थी, आप ऐसा इल्जाम मुझ पे ना लगाएं। अगर आपका बेटा फेल हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप अपने बेटे को डांटे ना, उसने क्यों नहीं पढ़ा? आ जाती है आप ऐसी उस्तादों पर इल्जाम लगाने। ले जाए आपको अपने बेटे को, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपका बेटा पढ़ाने का। जा रही हूँ मैं अपने बेटे को लेके, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे पढ़ाने का। बेटा तुम लोगों को तो मैं देख लूंगी, और तुम्हें भी।